हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन वेल इनअप बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है राजस्थान की तरफ से होमगार्ड की न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। बंपर नंबर की सीट पे वैकेंसी आने वाली है 12,200 सीट्स के लिए। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मतलब अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो होम गार्ड की जॉब को करने के लिए, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, क्योंकि वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी इसका सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल, सारा कुछ बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग फटाफट से डिस्कशन को स्टार्ट कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर कि राजस्थान के अंदर होमगार्ड की न्यू रिक्रूटमेंट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। टोटल पोस्ट रहेगा 12,200। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, तो अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट्स होंगे सभी एलिजिबल रहेंगे। ग्रुप सी की पोस्ट है। अब बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम फी क्या लिया जाएगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 450 रुपीज लिया जाएगा। वहीं पर अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो 250 रुपीज लिया जाएगा। एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के जो भी कैंडिडेट है सभी इलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ रिलैक्सेशन भी मिलता है, ओबीसी को 3 इयर्स का और एससी एसटी को 5 इयर्स का मिलता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी ये होती है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए इस पोस्ट के लिए। सिंपल सा, आपका 10th पास आउट आप हो, डजंट मैटर क्या परसेंटेज है। इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी से आपने 10th पास आउट किया है, आप इलिजिबल रहने वाले हो। चलिए आगे देख लेते हैं किन किन स्टेज से गुजरने के बाद आपका इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन होगा। फ्रेंड्स, आपका सिंपल तीन आपका सिलेक्शन प्रोसेस है तीन स्टेज पे। पहले स्टेज पर आपका होगा फिजिकल, पीएसटी एंड पीईटी, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट प्लस फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। उसके बाद होगी आपकी रिटन एग्जाम, फिर क्या होगा डीवी एंड मेडिकल, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साथ ही साथ मेडिकल हो जाएगा, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं स्टेज वाइज कि सबसे पहले फिजिकल होगा तो उसका क्या क्राइटेरिया है। फिजिकल में एट फर्स्ट स्टेज आपका पीएसटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। सबसे पहले होगी वेट मेजरमेंट सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए। मिनिमम जिनका 48 केजी होगा वो इलिजिबल रहेंगे, उससे ज्यादा है तो अच्छी बात है। हाइट की जो मेजरमेंट होगी मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 160 सेंटीमीटर। चेस्ट की जो मेजरमेंट है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट 81 to 86 सेंटीमीटर। उसके बाद आपकी पीईटी होगी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें आपके शारीरिक क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। तो उसमें क्या होगी, आपकी रनिंग होगी। मेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी 8 मिनट्स में, फीमेल्स को 800 मीटर की रनिंग 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा। तो ये आपका प्रथम चरण में ये होगा, उसके बाद आप इसमें क्वालिफाई कर जाओगे तब जाके आपका रिटन एग्जाम होगा। तो आपका जो पेपर होगा ना 120 क्वेश्चंस का होगा, 120 मार्क के लिए, टाइम 2 आवर्स, 2 घंटे का रहेगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/4, मतलब 0.25 की निगेटिव मार्किंग होगी। और हाँ, ये आपका ऑफलाइन पेपर होगा, तो अगर अदर स्टेट से आप अप्लाई करते हो, मान लो बिहार, यूपी, झारखंड, पंजाब, कहीं के कैंडिडेट हो आप, तो आपको राजस्थान के डिफरेंट डिफरेंट जो भी एग्जाम सेंटर होंगे वहां पे जाके पेपर देना होगा, क्योंकि ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा पेन एंड पेपर मोड पे। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो एग्जाम में आपका रीजनिंग के होंगे 30 क्वेश्चंस, उसके बाद जनरल स्टडीज के 30 क्वेश्चंस, मतलब कि जो सिंपली आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह होता है सबको कंबाइन करके 30 क्वेश्चंस। अब जैसा कि पता है कि राजस्थान का एग्जाम है, तो राजस्थान का जो स्पेशल हुआ जीके, राजस्थान का स्पेशल जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स, वो सब आपको पढ़ना होगा। 60 क्वेश्चंस होगा 60 मार्क्स के लिए। सो दिस इज योर एग्जाम पैटर्न एंड आई होप कि एग्जाम पैटर्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में पूछिए। इसको जब आप क्वालिफाई कर लेते हो ना फ्रेंड्स, तो आपका सिंपली सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है, फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। तो आपको पता है कि राजस्थान के लिए है रिक्रूटमेंट, तो राजस्थान में ही सर्व करना होगा। आइए बता दूं आपको कि सैलरी क्या मिलेगी। आपको
सैलरी जो होगी आपकी 28,500 मतलब 30,000 की अप्रोक्स स्टार्टिंग सैलरी होगी। आफ्टर पर्क्स अलाउंसेस पर ईयर की इंक्रीमेंट के बाद आपकी सैलरी 81,000 रुपीज पर मंथ हो जाएगी, मतलब 81,000 रुपया पर महीना सैलरी मिलेगा। अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है। सो आई होप मैंने जो कुछ भी डिटेल बताया है आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो, मन में कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में पूछते रहिएगा, उससे आपका भी डाउट क्लियर होते रहेगा। और मैं आपको बता देती हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट क्या रहेगा कि आपका ये फॉर्म कब तक आउट हो जाएगा। तो ये आपका अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएगा 10th of Feb से, 10 से 15 फरवरी के बीच ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके अपनी तैयारी के स्पीड को आप बूस्ट करिए, फिजिकल की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेज पे फिजिकल ही होगा। और मैंने जो कुछ भी समझाया है आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर नहीं समझे हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और चाहे तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम तीनों ही जगह फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया, जाइए वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करते जाना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे आप सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।